शाहजहांपुर के अजीजगंज स्थित सत्यानंद हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 8 महीने के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की सूचना मिलने के बाद में परिजन हॉस्पिटल पर पहुंचे और हंगामा मचाना शुरू कर दिया। वहीं बच्चे की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और कार्रवाई का आश्वासन देते हुए परिजनों को शांत करवाया है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल द्वारा इलाज के दौरान बड़ी लापरवाही बरती गई है, जिसकी वजह से बच्चे की मृत्यु हो गई। परिजनों का कहना है कि अस्पताल के स्टाफ ने बच्चे को गलत ड्रॉप पिला दी थी, जिसकी वजह से उसके मुंह से झाग निकलने लग गया था और उसका पूरा शरीर भी पीला हो गया था। और कुछ देर बाद उसे आईसीयू में भर्ती करवाया गया, जहां पर 20 मिनट बाद उसकी मृत्यु हो गई। ये था कि लड़के के लेटिने आ रही थी, तो संजीवनी दिखा रहे थे पहले, वहां सही था, लेकिन वहां भीड़ ज्यादा होने के चक्कर में यहां लेके आया। 10-20 मिनट होगा कि यहां डॉक्टर साहब पास आए, पर्चा बनवाया, उन्होंने देखा तो बोले कि एडमिट करना पड़ेगा। हमने कहा जो सही है वो आप करिए, तो डॉक्टर साहब ने पर्चा लिख के दे दिया, एडमिट के लिए बोल दिया, वो चले गए कहीं। तो स्टाफ ने एडमिट कर रहा था, उन्होंने कोई एक सीरप टाइप से गोद दी मुंह में, जैसे दी वैसे झाग आया और चेहरा पीला पड़ गया। तो एकदम से ये लोग हमें आईसीयू में लेके भागे, लेकिन जब मैं आके नब्ज देखा तो लड़के की नब्ज जा चुकी थी। मतलब वो उन्होंने लिक्विड दिया है वो जो भी था उससे झाग बना। डॉक्टर साहब का कहना नली में फंस गया, अगर नली में फंसा तो झाग नहीं बनता, होता है तो एक्सपायरी चीज़ दे दी या कोई गलत चीज़ डोज दे दिया जो रिएक्शन कर गया। तो इसमें पूरी पूरी लापरवाही जो है, स्टाफ डॉक्टर साहब नहीं थे, स्टाफ से भर्ती करा रहे थे, और एंड टाइम पे जब हालत सीरियस हुई उसके बाद भी 15-20 मिनट बाद कहते हैं डॉक्टर साहब मैं मीटिंग छोड़ के आया, मेरे को परेशान करने आए। तो इसमें जो भी गलती है अस्पताल की है, डॉक्टर गौरव मिश्रा की है। कहाँ रहने वाले? अनवर धाम। फॉर्मेलिटी के लिए डॉक्टर साहब, एक बच्चे की अभी ट्रीटमेंट के दौरान डेथ हुई है, उनके तमाम पेरेंट्स जो है एलिगेशन लगा रहे हैं कि स्टाफ की लापरवाही रही, डॉक्टर की लापरवाही रही, क्या कुछ कहना है इसमें आपका? हमारे पास बच्चा 10:30 बजे आया था और 10:35 मिनट 11:05 मिनट पर बच्चे को सस्पेक्टेड कन्वल्जन आए, जो झटके होते हैं आए, उसी में बच्चे ने दूध की पलटी की, वो सारी सांस के रास्ते में गई। तमाम प्रयासों के बावजूद इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया गया, जो CPR करना होता है वो भी किया गया, लेकिन बच्चे की हार्ट की एक्टिविटी वापस नहीं आ पाई, बच्चे को 11:50 मिनट पे डिक्लेयर कर दिया गया। हमारी तरफ से जो भी अच्छी से अच्छी कोशिश हो सकती थी वो की गई, बच्चे का हॉस्पिटलाइजेशन देखा जाए मात्र 35 मिनट का था, तो उसमें जो कोशिश कर सकते थे, पहले से बीमार बच्चा था, 3 दिन से ट्रीटमेंट दूसरे नर्सिंग होम में चल रहा था, IV एंटीबायोटिक लगे थे, ग्लूकोज लगा था, और जो हमारी एकमात्र अभी रिपोर्ट कम समय में जो आ पाई है उसमें हीमोग्लोबिन बच्चे का 7.5 ग्राम था, जो कि एनीमिक था, खून की कमी भी थी। बाकी वो लोग शायद पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं, कुछ अगर और समस्या होगी तो उसमें आएगी।